अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं अभी बनाने लगी हूँ अपना नाश्ता। नाश्ते में सिंपली मैं रस लूँगी और पफ पेस्ट्रीज लूँगी, मीठी वाली, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यकीन करें कि मेरी क्रेविंग है एवरी मॉर्निंग की, मुझे बस यही वाला नाश्ता चाहिए। पिछले दिनों मैंने खाना शुरू किया था अंडा, लेकिन फिर 3-4 दिन बाद मेरे फेस में इतने ज़्यादा रैशेज़ हो गए, इतनी एलर्जीज़ हो गई, तो फिर मुझे उसको ख़त्म करना पड़ा। और फिर मैंने अपने सिंपल से ब्रेकफास्ट को कंटिन्यू रखा। और मुझे लगता है कि मेरे लिए यही सही है, क्योंकि पराठे वगैरह खा के मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने लग जाती है। खैर, आज के ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरे वीकेंड के खाने पीने, फ्राइडे से लेकर संडे तक के जो जितने भी खाने थे, जो बनाया, जो खाया, घर में खाया, बाहर खाया, सब शेयर करूँगी। और क्योंकि लास्ट टाइम का जो खाने का रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीकेंड के खाने शेयर करूँ कि हमने क्या क्या खाया पूरे वीकेंड्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो आप लोग जल्दी से जाइए, मेरा वीकेंड इन्जॉय कर आइए। और मैं अभी यहाँ पर अपना नाश्ता कर रही हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़, अभी है फ्राइडे का दिन और मैं बना रही हूँ कोरमा चिकन का। और जब वीकेंड आता है तो इसी तरह के चटपटे खाने चलते हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत ज़्यादा चटोरे हैं। हम लोग खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो एक दूसरे से बस पूछ रहे होते हैं कि जब दिन स्टार्ट होता है कि आज क्या पकाऊं या आज क्या खाने का मूड है। तो मैंने सोचा कि चलो कोरमा ही पका लेते हैं। और मैं सिंपली जस्ट पैकेट का ही कोरमा बनाने लगी हूँ, तो इसकी रेसिपी तो शेयर नहीं की है क्योंकि सबको ही बनाना आता होगा। तो मैंने ऐड ये कर लिया था कि इसके अंदर आलू डाल दिए थे। एज़ यू गाइस नो कि मेरे हस्बैंड को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। और 3-4 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी थी, क्योंकि हरी मिर्चें डालने से मुझे इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट फील होता है, लाइक देगी स्टाइल का। तो मैंने बस वो डालकर इसको रेडी कर लिया है और ये बिल्कुल पक गया है। मैं बहुत कम ऑयल में अपने खाने पकाती हूँ, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा ऑयली खाने नहीं पसंद है कि जिनके ऊपर ऑयल तैर रहा होता है, तो मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ। तो ये था मेरा फ्राइडे का डिनर। और इसको मैंने, हम लोगों ने खाया था तड़के वाले राइस के साथ, जो ज़ीरे वाले होते हैं, उसका बहुत ही मज़ा आ रहा था साथ में खाने का। और अभी स्टार्ट हो गया है सैटरडे और हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। तो वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो हमने सोचा कि जल्दी से बस प्लान बनाते हैं और कहीं चलते हैं। तो मामा और सिस्टर को भी इन्वाइट कर लिया था हम लोगों ने, तो वो लोग भी वहीं पर ही रेस्टोरेंट में ही आ गई थी हम लोगों के साथ। तो सब साथ में ही फैमिली टाइम स्पेंड किया वीकेंड, तो काफ़ी मज़ा आता है कि जब सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं, थोड़ी सी छोटी सी गेट टुगेदर हो जाती है, तो इस तरह से अच्छा लगता है। तो उनका भी ऑफ था और हम लोग का भी ऑफ था, तो बस इसी तरह इसी बहाने छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करने हम लोग निकल जाते हैं। कभी वो हम लोग को इनवाइट कर लेते हैं, कभी हम लोग उनको खाने पर इन्वाइट कर लेते हैं, तो बस इसी तरह हम लोग का चलता रहता है, क्योंकि इतने ज़्यादा तो हमारे रिलेटिव्स रहते नहीं हैं यहाँ पर। तो बस एक दूसरे को इनवाइट कर लेते हैं खाने पीने पर। तो बस आज हमने उसको इनवाइट किया, तो कल उसने हम लोग को इनवाइट किया, तो बस इसी तरह ही हम लोग का चलता है। और वेदर आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह इतना अच्छा हो रहा है, और इतने अच्छे वेदर में हम लोग को, मुझे तो लॉन्ग ड्राइव बहुत अच्छी लगती है जब वेदर अच्छा हो। तो अभी हम पहुंच गए हैं निहारी हाउस। और एले वालों, अगर आप लोगों ने निहारी पाकिस्तान की ट्राई करनी है, तो प्लीज़ इनके जाके निहारी खाओ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, खाना हमने पैसे देकर ही खाया था, तो मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ कि जो टेस्ट मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जो लोग लॉस एंजलिस में रहते हैं, तो इनका खाना बहुत ज़बरदस्त होता है। इनका बिरयानी और जितने भी इनके खाने हैं, बिल्कुल इनके पाकिस्तान के टेस्ट की ही तरह हैं। तो वन ऑफ़ द बेस्ट रेस्टोरेंट है एलए में ये। तो हम लोगों ने निहारी, कढ़ाई वगैरह सब बनाई थी, और मेरी सिस्टर साथ साथ पिक्चर्स दे रही थी इंस्टाग्राम के लिए। और इनकी बिरयानी भी नंबर वन बिरयानी है, लाइक इस तरह की बिरयानी मैंने एलए में खाई नहीं है। लेकिन बस बात यह है कि इतना ज़्यादा यहाँ पर हम लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत हमें दूर पड़ता है, तो हम लोग जब 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते बाद हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा जाते नहीं हैं। अगर ये मेरे घर से करीब होता तो ट्रस्ट मी, मैं एवरी वीक यहाँ से बिरयानी मंगवा के खा रही होती। तो मैं अपनी प्लेट पे डाल रही हूँ बिरयानी, और बच्चों सब ने अपनी अपनी प्लेट बना ली है, तो बस मेरी बारी आई थी बच्चों को देने के बाद, तो मैंने सोचा कि अब मैं भी खा लूँ। तो मैंने थोड़ी सी बिरयानी लूँगी पहले, और उसके बाद फिर कुछ और देखूँगी। तो साथ में इनकी बीफ बोटी मंगवाई थी, चिकन टिक्का था इनका, बहुत बहुत मज़े का, कराची की याद दिलाता है इनका खाना, बहुत टेस्टी खाना होता है। लेकिन बिल्कुल बैलेंस में इनके सारे स्पाइसेस डले हुए होते हैं, और आप लोगों को लग भी रहा होगा, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि शक्ल से कितना ये स्पाइसी लग रहा है। और इतना मज़े का खाना था, मुझे फिर से मुँह में पानी आ गया। यकीन करें जो लेफ्ट ओवर था, तो वो भी मैंने जो है ना रात को खा कर ही सोए थे हम लोग, खाना था बिफोर एंड आफ्टर, इतना सारा मैंने खाया। आप मूवी होती है तो भी हमारे टेबल की यही। हाँ,
तो गाइज़ अभी है संडे का दिन और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो मैंने पाकिस्तानी कपड़े पहने हैं क्योंकि आज हम सब ने ही प्लान किया था कि पाकिस्तानी कपड़े पहन कर जाएँ, क्योंकि वेस्टर्न कपड़े से बहुत ज़्यादा हम लोग बोर हो गए थे। और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम में हैं तो उनको पता ही होगा कि मैंने अपनी स्टोरी में डाला था सब कुछ, जो भी खाना पीना था सब डालती रहती हूँ। और ये जो ड्रेस है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने लास्ट ईयर जे डॉट से लिया था लेकिन पहना एक दो बार ही है। तो पहुंच गए हैं हम लोग रेस्टोरेंट, और ये जो एरिया है ये बिल्कुल जैसे मिनी पाकिस्तान और मिनी इंडिया की तरह ही है। यहाँ पे हर तरह के पाकिस्तान में इंडियन क्लोथिंग मिलती है और हर तरह के डिफरेंट कल्चर्स के रेस्टोरेंट। ये तो इनकी ह्यूज वैरायटी खाने में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इनका बफ़े काफ़ी ज़्यादा डिशेस होती हैं इनके बफ़े में, लेकिन बस टेस्ट इतना कुछ ख़ास नहीं होता। मैंने थोड़ी सी पूरी ली थी और एक चिकन का पीस ले लिया था, बाकी इनके दही बड़े बहुत अच्छे थे। बिरयानी का टेस्ट भी बस ओके ही था, हलवा पूरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और अब्दुल्ला को भी माशाल्लाह बहुत पसंद आई थी। बस थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने सभी कुछ ट्राई कर लिया था, इतना कुछ ज़्यादा नहीं खाया था। और डिज़र्ट में मुझे इनकी रसमलाई अच्छी लगी, खीर भी अच्छी थी, गाजर का हलवा जस्ट ओके था। तो ये था हमारा यहाँ का खाना, और खाने पी के पीने से हम लोग ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं पान खाने, क्योंकि पान भी मस्ट है और हम इस एरिया में आते हैं तो ढेर भर पान अपने साथ लेकर ही जाते हैं। कभी कभी दिल करता है कि खाने के बाद थोड़ा सा मीठा पान खा लिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीठा पान मुझे नहीं मिला था खाने को। सौंफ खुशबू मुझे पसंद नहीं था तो मेरे हस्बैंड ने सारे सौंफ खुशबू ही ले लिए थे। तो ये है मिनी पाकिस्तान कह लें या मिनी इंडिया कह लें, यहाँ पर हर तरह की वेराइटी है इनके पास, लाइक कपड़े वपड़े जे डॉट भी है यहाँ पर। यहाँ से हमने पान खरीद रहे थे, यहाँ पर चाट वगैरह सब मिल जाती है। खाने कुछ अच्छे होते हैं कुछ नहीं अच्छे होते। और अब मैं बना रही हूँ भिंडी, क्योंकि डिनर में हम लोग संडे को भिंडी ही खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर खा लिया और चिकन वगैरह बहुत मीट मीट हो गया पूरे वीकेंड में, तो सोचा कि कुछ सब्ज़ी खा ली जाए। तो भिंडियाँ रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि बस इसको ही बना लेती हूँ जल्दी से। तो एक अनियन ले लिया, रेड अनियन, दो टमेटोज ले लिए हैं और भिंडियाँ फ्राई करके रख दी हैं यहाँ पर ताकि जल्दी से पक जाए। और इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, इतना सही लाइट ब्राउन रखूँगी, थोड़े से सॉफ्ट कर लूँगी और फिर इसके अंदर टमेटोज डालकर इसको मसाले में भून लूँगी, जो भी मसाले में डालूँगी। और ये बिल्कुल पंजाबी स्टाइल से बनती हैं, मुझे इसी तरह से ही बनाना अच्छी लगती हैं और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का बनता है। तो इसमें जो स्पाइसेस जाने वाले हैं वो है सॉल्ट, और अपने हिसाब से डाल दें। हाफ़ टेबल स्पून ही हल्दी जाएगी और इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून क्रश्ड रेड चिलीज हैं। तो बस यही सारे मसाले इसमें के अंदर जाएंगे। और मैंने इसमें वन टी स्पून या हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैंने शान का वेजिटेबल मसाला डाला था, और इससे बस एक अरोमा बहुत अच्छा सा आ जाता है। और इसके साथ भी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, किसी भी तरह की आप वेजिटेबल बनाएं उसके अंदर बस हाफ़ टी स्पून या वन टी स्पून ये वेजिटेबल मसाला डाल दें, एक बहुत ज़बरदस्त सा अरोमा उठेगा उसके अंदर और टेस्ट भी बहुत डिफरेंट सा आएगा। तो बस इसको मैं ढककर अभी रख दूंगी ताकि जो टमेटोज और अनियंस हैं वो थोड़े और सॉफ़्ट हो जाएं, और फिर जब ये सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसके अंदर अपनी जो भिंडी है फ्राई हुई हुई वो ऐड कर देंगे। तो देखिए मैंने भिंडी वगैरह सब ऐड कर दी हैं और भिंडी में भी जो ऑयल होगा वो सब निकल आएगा, तो ऑयल बिल्कुल सही इसमें डाला है, क्योंकि मैं प्याज ब्राउन करते वक्त इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डालती, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं भिंडी ऐड करूँगी तो ऑयल अपने आप उसमें से भी निकल जाएगा। तो तीन ग्रीन चिलीज डाल दी हैं मैंने, काट के भी डालना चाहे तो डाल दें, लेकिन मैंने साबित ही रखी हैं क्योंकि बच्चों की वजह से। और इसके अंदर बस धनिया डाल देंगे फ्रेश, और ये बिल्कुल रेडी है, इसको बस 5 मिनट दम दूंगी और बस पक गया। अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो आप ढक्कन मत ढकिएगा इसके अंदर, और हल्की फ्लेम पे छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए तो ढक्कन ढककर 5 मिनट और इसको पका लें दम पे, और ये फिर खाने के लिए रेडी हैं। और यकीन करेंगे बहुत मज़े की बनी थी और अब ये रेडी हो गई हैं।
अब बारी आती है शाउट आउट की, तो सबसे पहला शाउट आउट मैं दूंगी अफोर्डेबल मेकअप एंड स्किन केयर वर्ल्ड को, दूसरा है अरीब एंड मम्मी व्लॉग को, और तीसरा जो शाउट आउट है वो है मेरी कज़न को जिन्होंने रिसेंटली अपना चैनल बनाया है। उनके चैनल का नाम है ईमान उपल व्लॉग्स। तो आप सब ज़रूर इन सब के चैनल पर विज़िट करिएगा और इन सब को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा नाश्ता ऑलमोस्ट डन हो चुका है और आई होप कि आप लोगों ने मेरा वीकेंड एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा आज का ये खाने पीने का व्लॉग, और अगर आप लोग फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर किसी को शाउट आउट चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा इजी है, उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम का पेज ज्वाइन करना है जो है पाकिस्तानी मॉम लाइफ इन अमेरिका, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट में मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देने हैं। तो बस मुझे आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग में बहुत ही जल्द, और हो सकता है कि मैं लाइव आऊँ लेकिन आप लोग को ज़रूर इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूँगी लाइव आने से पहले। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।